सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मोबाइल फोन से गूगल पे का बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। और बिजनेस अकाउंट बनाने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है, सही से समझ लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड, जो कि आपको जानकारी नहीं रहेगा तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका कोई शॉप है या कोई भी बिजनेस है, वहां पर क्यूआर कोड का स्टैंड मंगवाना चाहते हैं, या वहां पर साउंड बॉक्स होता है जो कि कोई भी कस्टमर अगर वहां पर पे करता है, वहां पर अनाउंसमेंट करता है, वो वाला मशीन अगर मंगवाना चाहते हैं तो फ्री में आप कैसे मंगा सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, तो इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको आपको समझ लेना है। सबसे पहले जो कि नॉर्मल अकाउंट होता है जो कि गूगल पे का, अगर वहां पर अगर कोई पे करता है तो आपको इंस्टेंटली आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाती है, आ जाती है, रिसीव हो जाती है। लेकिन वहां पर बिजनेस अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके क्यूआर कोड के माध्यम से कोई भी पे करता है वहां पर, तो 24 आवर तक आपका वहां पर पेंडिंग रहता है पेमेंट, और 24 आवर्स के बाद आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक वहां पर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये चीज आपको जानकारी ले लेना है, उसके बाद बिजनेस अकाउंट ओपन करना है। और साउंड बॉक्स मंगवाने से पहले आपको ये जानकारी लेना है कि आपको साउंड बॉक्स तो फ्री में प्रोवाइड कर देती है कंपनी, लेकिन वहां पर जो कि कुछ चार्जेस काटे जाते हैं, जो कि ज्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, वो मशीन जो कि अनाउंसमेंट बोलता है उसका चार्जेज है कि 1-2 मंथ तक आपको फ्री ही आपको वहां पर मिलेगा, लेकिन उसके बाद वहां पर चार्जेज काटने लगते हैं, जैसे कि 49 रुपीज या 79 रुपीज, जिस प्रकार से जैसे गूगल पे पेटीएम सबका अलग अलग चार्जेज है, तो उस चीज को सबसे पहले देख लेना है, उसके बाद आपको साउंड बॉक्स मंगवाना है, नहीं तो हर मंथ आपका पेमेंट कटने लगेगा, बाद में कहेंगे कि ये सब जानकारी मैंने दिया ही नहीं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप कैसे एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे वहां पर जो कि मशीन होता है अप्लाई कर सकते हैं। टू जेड जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो गाइस, करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में आपको सर्च मारना है जी पे फॉर बिजनेस। यहाँ पर जी पे फॉर बिजनेस लिखेंगे तो ये वाला आपका जो कि आ जाएगा एप्लीकेशन बिजनेस के लिए। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। एंड गाइस, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जौन सा जीमेल आईडी से आप यहाँ पर अकाउंट बनाना चाहते हैं उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस पर आपको टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद जितना जीमेल आईडी आपके मोबाइल में होगा सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं एक जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर आपको टाइप करना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पर टाइप करने के बाद यहाँ पर जो कि अलाउ करना पड़ेगा, आपको परमिशन देना पड़ेगा, तो यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर दूसरा इंटरफेस खुल कर आएगा, तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ। कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा एक ऑनर और एक स्टाफ। अगर आपका बिजनेस का आप ऑनर है तो पहले वाला पर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बिजनेस का स्टाफ है तो यहाँ पर नीचे वाला पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑनर हूँ तो यहाँ ऑनर के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, इस पर टाइप करता हूँ। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पर दूसरा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो गाइस, यहाँ पर जौन सा मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा और यहाँ पर वेरीफाई ले लेगा। तो याद रखना है, अपना नंबर यहाँ पर लगा कर रखना है अपने फ़ोन में, ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। जैसे यहाँ पर वेरीफाई होगा उसके बाद दूसरा इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर बोलेगा बिजनेस नेम लिखने के लिए। अब जौन सा बिजनेस का नेम है वो लिख सकते हैं, जैसे कि हमको किराना स्टोर, अगर सपोज आपको ये बताने के लिए मैं किराना स्टोर रख देता हूँ, ठीक है, किराना स्टोर, ठीक है, यहाँ पर किराना स्टोर रख दो। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर दूसरा इंटरफेस खुल कर आएगा, तो यहाँ पर वेट करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि जैसे आप बिजनेस नेम लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर ओनर नेम लिखने के लिए बोलेगा, तो ओनर नेम अपना खुद का नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेम लिखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस है या कैसे है आपको सब चीज़ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर सपोज के लिए ये रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर नेम और यहाँ पर सेकेंड डायरेक्टर नेम, तो गाइस यहाँ पर डायरेक्टर नेम मैं रख देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टर नेम हो गया। उसके बाद सेकेंड डायरेक्टर नेम कह रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई सेकेंड डायरेक्टर नेम है तो यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अपना ही नाम डाल दे, यहाँ पर कुमार डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, उसके बाद बोलेगा बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कहूँगा यहाँ पर ये वाला कर लेता हूँ, फर्स्ट वाला। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जनरल स्टोर आपको रख लेना है, ठीक है। जनरल स्टोर रखने के बाद यहाँ पर जैसे थोड़ा देर वेफलिंग लेगा, फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो कि पिन कोड होता है और सारा यहाँ पर एड्रेस वेड्रेस वगैरह सब यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद बोल रहा है यहाँ पर आपका जो कि लोकेशन देना है, जो जौन सा लोकेशन पर आप जैसे कि आपका दुकान है या कोई बिजनेस है वो लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर यहाँ पर लाइव देना चाहते हैं तो यहाँ पर कन्फर्म लोकेशन के ऑप्शन पर टाइप करना है। कन्फर्म लोकेशन के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद फिर से दूसरा इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर बोलेगा सर्च एंड सेलेक्ट एरिया, कौन सा एरिया है आपका। तो यहाँ पर मान ली कि हरदी, तो मैं हरदी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हरदी बाजार में लिख दिया, ठीक है एरिया। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर बोलेगा पैन कार्ड नंबर डालने के लिए और जीएसटी नंबर डालने के लिए बोलते हैं, ये ऑप्शनल छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड का एक फोटो खींच लेना है, ठीक है। फोटो खींचने के लिए खींचकर आप यहाँ पर अपलोड कर देना है, जैसे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अलाउ करना है, आपका गैलरी ओपन होगा। एक यहाँ पर पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देना है, यहाँ पर पैन नंबर डालना है। तो यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देता हूँ, पेन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर दूसरा इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है। थोड़ा देर बफरिंग लेगा क्योंकि मेरा सर्वर थोड़ा स्लो काम कर रहा है अभी, देख सकते हैं। उसके बाद आएगा बैंक अकाउंट, कौन सा बैंक में आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो उस बैंक का सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा पंजाब नेशनल है तो यहाँ पर पंजाब नेशनल में मार लेता हूँ, ठीक है। पंजाब नेशनल, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है मेरा, मार लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्च आईएफएससी कोड आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आईएफएससी कोड चाहे मैं पारू लिख लेता हूँ, अगर मानूंगा पारू कहीं आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। हाँ, आईएफएससी कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आईएफएससी कोड लिखने के बाद जहाँ का ब्रांच है वो लिखेंगे, आपका आईएफएससी कोड आ जाएगा, नहीं तो आईएफएससी कोड गिन के आप फाइन कट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट नंबर अपना मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद फाइंड बैंक अकाउंट पर टाइप करना है। फाइंड बैंक अकाउंट यहाँ पर थोड़ा देर बफलिंग लेगा, फिचिंग लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा देर मैं वेट करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेम लिखा आ जाएगा, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड। उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट पर आपको टाइप करना है। आपके नंबर पर कन्फर्मेशन के लिए 1 रुपया सेंड कर दिए जाएंगे, जिसकी कन्फर्मेशन के लिए देख सकते हैं 1 रुपया यहाँ पर जो कि आ चुके हैं। उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट पर टाइप करना है। कन्फर्म बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद लिख रहा है अभी सर्वर कुड नॉट सर्वर, थोड़ा इंटरनेट स्लो काम कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, स्किप करना है या कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर जैसे कंटिन्यू पर टाइप करेंगे यहाँ पर थोड़ा देर फिर से बफलिंग लेगा। बफलिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जितना यहाँ पर जो बिजनेस अकाउंट होगा नियर बाई वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट न्यू बिजनेस प्रोफाइल, तो इस पर आपको टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पर फिर से थोड़ा देर बफलिंग लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पूरी प्रोसेस हो चुकी है। अब यहाँ पर कैसा एरर आता है और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको जो मशीन होता है वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सब चीज़ यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। सबमिट के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपका अंडर रिव्यू में जो कि जाता है यहाँ पर अकाउंट, और यहाँ पर गूगल पे का जो असिस्टेंस है वो आपका रिव्यू करता है आपका अकाउंट और वेरीफाई कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। देख सकते हैं जो कि मेरा गूगल अकाउंट यहाँ पर बन कर रेडी हो गया। यहाँ पर अलाउ करता हूँ। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं योर बिजनेस इज अंडर रिव्यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 to 2 डेज यहाँ पर लगता है यहाँ पर वेरीफाई होने में। वेरीफाई होगा उसके बाद ऊपर में ही आपको मिल जाएगा, जैसे खोलेंगे वहाँ पर ऑर्डर नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे कि वहाँ पर मशीन अप्लाई करने का, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। आपके एड्रेस पर वहाँ सेंड कर दिया जाएगा आपका क्यूआर कोड और मशीन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो के एक लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो अपने चैनल पर हर दिन हर रोज लाता हूँ। चलिए आज के वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।